नमस्ते मैम जी। अरे प्रियंका, तुम यहाँ सड़कों पे कैसे घूम रही हो? लॉकडाउन है, हैं? वहां से कैसे चली आई तुम अपने घर से? अरे मैं तो छुपते छुपाते दूध के थैली के बहाने से आ गई मैडम जी। और पुलिस ने तुम्हें यहाँ आने से रोका नहीं? अरे पुलिस को तो मैंने चकमा दे दिया। ये तूने बहुत गलत काम किया। तुझे पता है ना बेटे, मैंने पहले भी समझाया था फोन पे, कोरोना पूरी दुनिया में फैल गया है। पता है इटली में हजारों लोग मर गए हैं, और इसीलिए समय पर मोदी जी ने हमारे देश में लॉकडाउन लगा दिया, जैसे कोई निकले नहीं घर के बाहर। जब लोग घर के बाहर निकलेंगे तो ये संक्रमण फैलेगा। सोशल डिस्टेंसिंग दूर है ना, तू अकेली सड़कों पे घूम रही है। अरे मैं ही थोड़ी ना घूम रही हूँ, देखो जाके कितनी गली में घूम रही है काम वाली। हैं? घूम रही है? बहुत गलत बात है। अब बेचारी काम वालियों की, चलो उनकी भी थोड़ी गलती है, उनको भी सरकार का कहना मानना चाहिए, लेकिन मैं तो उनको देश देती हूँ जो मालकिन अपनी मेड से अब भी छुप छुप के काम करानी, जो सेक्टर के अंदर ही रहती है ना, असल में जो सेक्टर के अंदर ही रहती है, किसी के घर के ऊपर रहती है, कहीं पास में रहती है, वो अब भी बुला के उनसे काम करानी है। एक तरीके की ना वो मालकिन भी गद्दारी कहलाएंगी, क्योंकि कोरोना कब किससे फैल जाए नहीं मालूम। ठीक है ना बेटे, तुम तो अपने घर जाओ, मैं नहीं चाहती कि तुम आओ, मैं गद्दार कहलाऊं या तुम गद्दार कहलाऊं। बेटे तुम जाओ अपने घर। पर मैम जी, आपने काम तो कभी किए ही नहीं है, कैसे करोगी? अरे काम नहीं किया तो क्या बड़ा मजा आ रहा है? तुम्हारे अंकल है ना, वो आटा गूंद रहे हैं, है ना, मैं रोटी बना रही हूँ, और ये दोनों जो लड़के काम नहीं करते थे ना पहले, वो एक जना सब्जी काट रहा है, एक प्याज काट रहा है, सबको काम पे लगा दिया। और ये बड़ा बढ़िया रहेगा, दोनों ना पहले सुनते नहीं थे, अब क्या है काम सीख जाएंगे तो कल को बाहर नौकरी करने जाएंगे ना तो अपने आप कम से कम खाना तो बना लेंगे। तेरी तो जा बेटे आराम कर। पर मैम जी, हमारे आदमी की भी नौकरी नहीं है और हम क्या खाएंगे मैडम जी? देख अगर तुझे पैसे की जरूरत है तो मैं बेटे अभी दे देती हूँ, और तेरे आदमी का बैंक अकाउंट मेरे पास है। मैं ऐसा करती हूँ, यहीं से बैठे बैठे ना मैं तुझको, जब तक घर पहुंचेगी ना मैं पैसा ट्रांसफर कर दूंगी। 3 महीने की सैलरी मैं तुझे अभी दे देती हूँ, इतनी तो मेरी ड्यूटी, मैं तेरे लिए उपकार नहीं कर रही हूँ, ये तो हमारी ड्यूटी है करना, तुम्हारी मदद करने की। पर मैम जी, हमारी जॉब का क्या होगा? अरे जॉब तो चलती रहेगी, जब कह रही हो कि 3 महीने का एडवांस, मतलब के एडवांस का मतलब नहीं समझी, 3 महीने की जो तू बैठे बैठे तनख्वाह लेगी ना, वो भी पैसे मैं तुझे दे दूंगी, और आज ही। अरे फिर रेंट के पैसे काम भी नहीं करूंगी तब भी? हाँ यही सोच के तू जा जा, और घर के अंदर मंद रहना ना। ठीक है मैडम जी। वक्त कितना भी हो बेरहम, आखिर गुजर ही जाएगा। वक्त कितना भी हो बेरहम, आखिर गुजर ही जाएगा। और अगर हर आदमी हो अपने घर में बंद, तो ये कोरोना अपने आप मर जाएगा।